निकल जाएगा सर, दर्द हो रहा, आज तक तो कभी नहीं निकला यार। जैसा देश का बैग हमारा डिफेंस संभालता है, जैसे दारू की बैग नींबू संभालती है, जैसे एग्जाम्स की बैग फर्रे या हमारे दोस्त संभालते हैं, वैसे ओके टेस्ट की बैग कौन संभालेगा? हमारी बैग तो टूट चुकी है, तो हम अपनी बैग को लेकर जा रहे हैं कायरोप्रैक्टर के पास। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी कायरोप्रैक्टर की। दर्द हुआ क्या इसे? आवाज नहीं देख रहा तू, इसे दर्द हो रहा है क्या? पता नहीं, अरे वो जो साउंड निकलते हैं ना उसके अंदर से, वो कड़कड़ कड़कड़ कुकु पॉपिंग साउंड, एकदम कड़कड़ डूमा साउंड, कड़कड़ डूमा साउंड जो होती है वो बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग होती है। मैं इसके लिए भी जा रहा हूँ। तो चलो बात खत्म, जोक्स क्रैक करते हैं, सॉरी गर्दन क्रैक करते हैं। तो हमारे पीछे से वीडियो आ रहा है क्योंकि हम लोगों का बैक का वीडियो है। जो हजारों साल से लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते आए हैं। दिस इज कायरोप्रैक्टिक, इफ आई हैव टू रिलीज दीज ऑक्सीपिट जॉइंट्स व्हिच आर ऑन द टॉप, यू नो द एटलस जॉइंट्स, एनीथिंग दैट आई वर्क विद द हैंड इज कायरोप्रैक्टिक। मैं वही पुशअप्स मारता हूं, फ्राइडे को मैंने लोअर बैक मारा है, वही deadlift is my bread and butter, you know, you keep guys doing deadlift and you'll have injuries and problem and I'll be surviving. सही बता रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि जब हड्डियाँ ना कड़कड़ाती है ना तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग साउंड नहीं होता। साउंड्स आर द फीलिंग, जबकि बॉडी खुलती है जो भी रिस्ट्रिक्शन में होता है, इट्स लाइक कि आप पूरे दिन से खड़े हुए, आपने शू पहना हुआ है, अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, जब घर पहुँचते हैं अपना शू खोलते हैं, कैसा फील होता है? तो इसमें ऑर्गेज्म फील होगा? सिमिलर, यू फील शुरू करो सर, रुकना, फिर रुकना नहीं है, रुकना ही नहीं है सर, लेट आप लेट जाओ क्या? चीट बहुत अमेजिंग है, देखो डाल के मजा आ रहा है। नाउ दिस इज द एक्टिवेटर व्हिच वी गोइंग टू यूज टू एक्टिवेट हिज लंबाई इन केस हिज joints are stiffer. Yeah. ये किचन वाला लाइटर है क्या सर? ओह यस, किचन वाला लाइटर सर, आप तो नहीं लगा रहे। मैं फील कर रहा हूँ उसकी लेफ्ट साइड की सारी एक्सटेंसर्स मसल्स इज मच मोर डोमिनेटिंग कंपेयर टू द लेफ्ट। लेफ्ट इज एज यू सेड इज वीकर, सो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब इसकी पुशअप की वजह से कितनी टाइटनेस है फील करते हैं। क्या हुआ? एक मिनट निकल गया ये कुछ। ओह ये मुझे पता क्या होने वाला है सर, ये मैंने कुछ नहीं पता, ये मेरे को पता, आपको कुछ नहीं पता है, ये वाला मुझे पता है सर। रिलैक्स, ओके रिलैक्स, छोड़ेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबी सांस, one more, let's try and improve it further. Yes, it has opened up, now the other side. Look forward, okay, breathe out, yahan dil mein, yes, aayegi, left hip is much more tighter, breathe in, breathe out, breathe out, yes, aap seedha le lenge aise, ye vaste papad kadakne ka, aur piche, aur piche। अब इसकी जो लेफ्ट साइड की नेक के जॉइंट्स से स्टिफ है, मैं इसको पहले निकल जाएगा सर, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, आज तक तो कभी नहीं निकला यार, नहीं निकला, नहीं, रिलैक्स, मोस्ट जेंटली, ओके मोस्ट जेंटली, ओके, दिस इज वन टेक्निक, रिलैक्स, द सेम साइड, इट्स इजी इजी इजी। ये कितने सालों का कड़कना बाकी रह गया था सर? यस परफेक्ट, इजी, जो खून है ना वो भी भाग रहा है ऊपर नीचे, मतलब पहले rush of blood, rush हो रहा है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। Just take your time. It's like a high. Yeah. Good high. How was your experience? Did it reach the climax?
ऑर्गेज्म का तो पता नहीं मुझे क्यों नहीं पता, मैं बहुत साधु इंसान हूं. ओह माय गॉड, यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है. छूटा है? हाँ कुछ छूटा है. बहुत बहुत हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है पहले से. चेक लाइन 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 लाइन. ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट. अब छूटा है कोई नहीं, अब नहीं छूटा. इसके अलावा कभी आना, लंबा सेशन करेंगे. ठीक है, उसमें जो चीज़ करेंगे उससे आपको और हल्का लगेगा. अच्छा, मतलब क्या होगा उसमें? उसमें हम कपिंग करेंगे, नीडलिंग करेंगे एक ही सेशन में. ओके. फिर एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके जो जॉइंट्स आज नहीं खुले जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो और अच्छे से खुलते हैं. दैट इज व्हाई समटाइम पेशेंट स्पेंड्स अप टू 35 मिनट्स टू 1 आवर. तो ये रहेगा ना कि वो मसल्स वापस आ जाएंगे? नहीं, मसल्स तो सारे सब कुछ वापस आएंगे, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है. जब तक कि आप उतना प्रेशर दोबारा बिल्डअप नहीं करते अपने जॉइंट्स पे तब तक ये रहेगा. अब उसको आप दो रातों में बिल्डअप करोगे या छः महीने में बिल्डअप करोगे या आपके ऊपर. तो ये कैसे बिल्डअप नहीं करना है? मोबाइल फोन से बिल्डअप नहीं करते. तो हाँ, नेक काफ़ी सही हो चुकी है, बैक, मेरी बैक की मूवमेंट बहुत सही हो चुकी है. अंदर जो काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्टेड था, कुछ बंद था अंदर बहुत सालों से, जैसे करोड़ों साल से, जैसे वो पानी खुल चुका है. हाँ, जैसे वो पानी के अंदर वो टाइटैनिक में सीन नहीं आता, नीचे ट्रेजर होता है, मतलब खोलता है तो मिट्टी धूल निकलती है उसके अंदर से, तो वही एकदम ऐसा महसूस हुआ कि पूरा खुल गया है. अभी आई फील फ्रेश, आई फील न्यू न्यू न्यू, आई फील न्यू. और कुछ ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसे लेट के मैं यहाँ पे बैठा हूँ? आई थिंक ही नीड्स टू गो टू हरिद्वार और ऋषिकेश. सर कौन से आए थे आप? सर एक काम लास्ट कर दूंगा आपको, ऐसे करूं एक बार वो. अरे भाई मजा आ जाएगा, कर दे. आपने इतना किया है, शर्ट ना बदलो. शर्ट उठा ही नहीं पा रहा सर. पैसे वसूल है, वसूल है पैसे. ओह मजेदार, चलिए सर मिलते हैं भाई. ये वो वाला एकदम सेंसेशन था कि कहीं आप चल रहे हो, किसी बहुत बड़े ऑब्जेक्ट ने आपको ढक्क से मारा, अब नीचे गिरे, आप थोड़ी देर के लिए एकदम मिली सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हुए, आप खुले और फिर सब बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो, लंबी सांसें लो. And then you are feeling better. You are feeling better. कि मतलब उस मोमेंट के लिए तुम्हारी लाइफ के सारे टेंशन खत्म हो गए. इस चीज के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि हम लोगों को एक्सरसाइज के साथ साथ बॉडी को पूरा खोलना है और अंदर की जितनी भी टेंशन है उन्हें रिलीज करना है. मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे फीनिक्स बर्ड होती है, जब वो वीक फील कर रही होती है अपने आप को जला देती है. हमने भी कुछ अपने आप को जलाया है मेटाफोरिकली, और सो दैट शी कैन रीबॉर्न फ्रॉम दोज एशेस. तो आई एम फीलिंग लाइक दैट आई एम रीबॉर्न. वास्तु जब ऐसी बातें करता ना दिल को छू जाता है, ऐसे खुद जाता है एकदम अंदर. That's why we have Brody's. Yeah, man. Hey guys, if you want to feel as light as we do, hit the like button. Share with your friends. Comment down below and don't forget to subscribe to OK Tested. Mess up to Phoenix. Udaate hain bhai sab. Udiye jayenge bhai.